तो आ तरफ अमदावाद में आम आदमी पार्टी की प्रदेश ऑफिसे कार्यकर्ताओं धरना चाली रहा है, जेने आज तीजो दिवस है। तो अपना गुजरात प्रभारी गुलाबसिंह और महेश सवाणी छेला त्रण दिवस उपवास पर बैठा है। तेमनी मांग है कि असित वोरा ने तेमना पद पर हटावामां आवे अने गुजरातना 88,000 स्टूडेंट ने न्याय आपवामां आवे, जेने लईने महेश सवाणी और गुलाबसिंह यादव साथ बात करता तेमणे जणाव्युं हतुं के तेओ धरना पर बैठा है त्यारे आपना कोई कार्यकर्ता तेमने मळवा आवे छे तो तेमनी पूछपरछ करवामां आवे छे अने मळवा देवामां आवता नथी, त्यारे सरकार द्वारा आम आदमी पार्टीना नेताओना अवाज दबावानी कोशिश करवामां आवी रही छे। तेमज नेताओए वधुमां जणाव्युं कि जो जरूर पड़शे तो तेवो हवे अरविंद केजरीवाल अने मनीष सिसोदिया बनेने गुजरात बोलावीशुं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सगा संबंधीओ जो मैं अँ एकदम किलेबंदी पुलिस द्वारा किलेबंदी कर कोई ने अंदर आवा देता नहीं, अमने लोग ने कोई जगह बहार जवा देता नहीं, एक नजर कैद कराया हो एक इमरजन्सी लागू कर दीधी होवु अमने देखाई रू है। गई काले एवं वातावरण तू के जे टीवी मीडिया ने एनी अंदरना जे न्यूज अमे जोता था के जे ट्रेन चालो छे आसित वोरा ने राजीनामा ने लईने ये जोईने पण सरकारे विचारवानी जरूर छे के शा माटे आसित वोरा ने सरकार छावरी रही छे, कोना कहेवाथी छावरी रही छे, कई जग्याए सरकार ने डर छे के एमां पोते एमां घणा बधा माથાઓ સંડોવાયેલા હશે એવું અમને દેખાઈ રહ્યું છે। આસિત વોરા એક શુભેચ્છા મુલાકાત કરી છે, તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે શુભેચ્છા મુલાકાત હતી, ત્યારબાદ કોઈ ડિસિઝન આવ્યું નથી છે, જે બજારમાં વાત ફરતી થઈ હતી કે આસિત વોરાને રાજીનામું લેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સરકાર સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રતિક્રિયા અત્યાર સુધી આ બાબત આપવામાં આવી નથી, તો શું કહી શકાય? આસિત વોરા શું કરે છે કે સરકાર શું કરે છે એની સાથે મતલબ નથી, પણ 88,000 વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ ખતરામાં છે, અમે એના માટે બેઠા છીએ। સરકારને જે પ્રતિક્રિયાઓ એમને દેવી હોય, એમનું રાજીનામું લેવું હોય ન લેવું હોય, એ સરકારની મેટર છે। સરકાર તો પોતે કોઈ દિવસ હજુ સુધીના કોઈ પણ આંદોલનમાં થૂકેલું ચાટ્યું હોય એવું દરેક બન્યું છે, અને આ વખતે પણ એવું જ થશે, કારણ કે પહેલાં તો સરકારે એમ કહી દીધી કે પેપર ફૂટ્યું જ નથી, પછી ખબર પડી કે પેપર ફૂટ્યું છે, એ સરકારે સ્વીકાર્યું, એ જ બહુ મોટી વાત છે કે પેપર ફૂટ્યું છે સરકારે સ્વીકાર્યું। હવે જે સ્વીકારવાને બાબતમાં આજે 21-22 લોકોને જે ગિરફ્તાર કરવામાં આવ્યા છે એ એકદમ જે સૂર્યા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની અંદર કામ કરતા નાનામાં નાના જે કર્મચારી હોય એમને કે જેમને કે જેવી રીતે કે એ લોકોએ ઓર્ડર લીધો હોય પેપર છાપવાનો એવી રીતે એ લોકોને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મોટા મગરમચ્છોને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા જ નથી, અને એના માટેનું અમારું અનશન છે ચાલુ રહેશે। અને 3 દિન સે મેં ઓર મહેશભાઈ દોનો અનશન પે હૈ और हमारी डिमांड है कि जिस एक व्यक्ति की वजह से 88,000 बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिल पाया आशित वोरा, उनको तुरंत इस पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ़ एक आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स ऐसा नहीं है। और मुझे ये बताते हुए मतलब बेहद शर्म भी आ रही कि इतनी गैर जिम्मेवाराना सरकार गुजरात के अंदर चल रही है, और 6.5 करोड़ लोग गुजरात के शायद ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसे इंसान को तुरंत सरकार बर्खास्त करेगी। मुझे याद आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, जब रेल मंत्री होते थे तो एक छोटा सा रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने तुरंत जवाहरलाल नेहरू जी को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था। और मैं अगर बात करूं दिल्ली के अंदर हमारे एक मंत्री थे जिनका एक स्टिंग आया था पैसे के लेन देन का, अरविंद केजरीवाल जी ने 24 घंटे के अंदर उनको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया था। तो ऐसा क्या इस सरकार की मजबूरी है जो आशित वोरा के साथ इतना ब्लैकमेलिंग मोड में ये सरकार देख रही है? क्या आशित वोरा के पास इनके कुछ बड़े नेताओं के बड़े राज छुपे हुए हैं? ये संदेह पैदा होता है, वरना मुझे लगता है जहाँ सरकार की किरकिरी पूरे गुजरात में हो रही है, क्या आशित वोरा एक ऐसे मजबूत और कद्दावर नेता है कि उनको नहीं हटाया जा सकता? युवाओं के अंदर बहुत गुस्सा है, 88,000 युवाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश से लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। हम बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आश्रम जाके वहाँ पे हमने बापू जी का आशीर्वाद लिया और कलेक्टर ऑफिस के बाहर हम जाकर बैठना चाह रहे थे, लेकिन हमें प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने वहाँ से उठाया और पुलिस स्टेशन ले गए, 7 बजे तक वहाँ रखा और फिर हमें यहाँ पर छोड़ के गए हैं। और अभी पूरे आपने देखा हमारी पार्टी के कार्यालय को छावनी बना दिया, चारों तरफ पुलिस है और किसी को भी यहाँ पर हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तानाशाही है।